दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि वर्तमान समय में हम लोग समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी के श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। और आज की इस श्रृंखला के लिए हम लोगों ने टॉपिक जो निर्धारित किया हुआ है वो है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत अगर कुछ सावधानियाँ नहीं होती है तो प्रश्न के गलत होने की संभावना होती है। इसलिए सावधानियों के साथ साथ आज के इस लेक्चर में हम कुछ नियमों का भी उल्लेख और चर्चा करेंगे, जिसे अगर ध्यान में रखा जाए तो प्रश्न के गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में आप 10 में 10 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो है यहाँ पर देखते हैं, जिन पर हम आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम अर्थ और परिभाषा पर विचार करेंगे। अर्थ और परिभाषा दूसरे नियम या इसे आप सूत्र कह सकते हैं, या जिसे सामान्यतः ट्रिक भी कहा जाता है, जो भी है आप अपने स्तर पर मान सकते हैं। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन होता है कि इन सूत्रों और नियमों का हम जो है अनुप्रयोग करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जो हम सूत्र बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, उसका प्रयोग करते हुए किस तरीके से तत्सम और तद्भव सही हो रहे हैं। अगला है महत्वपूर्ण चयनित तत्सम तद्भव। ये चार जो है पॉइंट है जिसको यहां पर हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा को देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो हमारी हिंदी साहित्य है या जो हिंदी भाषा है, इसका उद्भव मूल रूप में अगर देखा जाए तो संस्कृत से हुआ है। और जब हम संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों उसी के समान शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो विशुद्ध शब्द होता है और वही जो है तत्सम होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे व्यवहार के अनुसार प्रयोग में ला करके हम लोगों ने उसमें परिवर्तन कर लिया है, यानी कि वो शब्द उसी संस्कृत के मूल शब्द से उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। यानी कि तत्सम का मतलब हो गया उसी के समान। तत्सम माने उसी के समान। उसके समान का मतलब किससे, जो कि हम मूल रूप में संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो जो उसके समान है उसे जो है तत्सम कहा जाएगा। और तद्भव का मतलब होता है जो, तद माने जो है उससे और भाव माने उत्पन्न हुआ, यानी कि जो उससे उत्पन्न हुआ है या उससे बनाया गया है वह शब्द जो हो जाता है वो तद्भव के रूप में आता है। अर्थात तत्सम और तद्भव में जो संस्कृत के समान ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो समान जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो उनसे उत्पन्न हुए होते हैं वो तद्भव की श्रेणी में रखे जाते हैं। अर्थात तत्सम और तद्भव को समझने का यही एक माध्यम है। अब हम दूसरे नंबर पर कुछ नियम और सूत्र को देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि उन सब अक्षर वर्णों को हम देखने का प्रयास करेंगे जिनका कि प्रयोग तत्सम में होता है, और उनमें कुछ परिवर्तन जब किया जाता है तो वो किस वर्ण में परिवर्तित होते हैं और वो तद्भव बन जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है वर्ण है जिनका प्रयोग बार बार और उन्हीं का किया जाता है और उन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं, वही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, यदि उनको हल किया जाए तो सामान्यतः हम लोग परीक्षा में जो है ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करने में सफल होंगे। तो एक इसमें देख लिया जाए, शब्दों में जो है वाह है और यहां पर जो है बा है, सामान्यतः जो है संस्कृत में जो है और तत्सम में जो है वह शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब हम तद्भव में प्रयुक्त करते हैं इसको उपयोग में लाते हैं तो वह बा हो जाता है। अब इसको हम जो है
उदाहरण के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे बंदर, अब ये हो जाएगा वानर, बंदर जो है ये वानर बन हो जा रहा है। तो यहां पर वा शब्द जो है ये तत्सम के रूप में आ रहा है और जो बा शब्द है वो तद्भव के रूप में जो है आ रहा है। तो ये शब्द जो है तद्भव हो जाएगा और ये शब्द जो है तत्सम हो जाएगा। इसी तरीके से बनिया, बनिया शब्द है, तो बनिया शब्द को जब हम बदलेंगे यहां पे इसको तत्सम में जो है तो ये जो है वणिक हो जाएगा, ये जो है वणिक हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो है देखने में आ रहा है कि जो ये बा शब्द है वो यहां पे वा शब्द के रूप में हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको यहां पे देखा जा सकता है। जैसे आपका वर्षा हो गया, वर्षा जो है बरसात में बदल जाता है। इसी तरीके से बिजली है तो वो विद्युत हो जाता है, विद्युत हो जाता है। जैसे ये जो है बिजली है तो ये जो है बदल जाएगा विद्युत, ये तत्सम शब्द है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बनती है, ये कारण बनता है और ये जो है तद्भव हो गया और ये जो है तत्सम हो गया। तो इस तरीके से जो है इसका जो है हम लोगों ने उदाहरण के साथ ही नियमों को देखा कि किस तरीके से जो है वा जो है वो तत्सम होता है और बा जो है वो तद्भव की श्रेणी में शामिल होता है। इसी तरीके से कुछ और जो है शब्दों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे सा है और सा है, इस सा का प्रयोग जो है तत्सम के रूप में किया जाता है और इस सा का प्रयोग जो है तद्भव के रूप में किया जाता है। जैसे यहां पर हम लोग शब्द देखेंगे कि साग, तो ये जो है साक में बदल जाता है। इसी तरीके से सुआ, सुआ जो शब्द है वो सुक में बदल जाता है। इसी तरीके से कई और शब्द बन सकते हैं, जैसे ससुर, ये जो है ससुर हो जाता है। तो यहां पर ये जो है एक टेबल बन जाता है और ये शब्द जो है तद्भव और ये शब्द जो है वो तत्सम हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी तत्सम के शब्द आएंगे वहां पर जो है स का प्रयोग होगा और इस सा का प्रयोग जो है वो तद्भव के रूप में किया जाएगा। अर्थात अगर ये शब्द आते हैं उनसे बनाने के लिए जो है तद्भव कहा जाता है या पहचानने के लिए कहा जाता है। तो सामान्यतया इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको तत्सम और तद्भव से आने वाले सवालों को हल करना है और आपको अपने प्रश्न को सही करना है। तो इस तरीके से ये दो जो है नियम यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से ना है, ये जो है ड़ा हो जाता है, ना जो है वो ड़ा हो जाता है। जैसे यहां पर हम लोगों ने एक शब्द यहां पर देखा था, इसी को पुनः उदाहरण के रूप में हम यहां पर ले रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें दो दो नियमों का प्रयोग हुआ है, जैसे बनिया का हो गया है वो वणिक। अब इसमें दो नियम प्रयोग हुए हैं, यहां बा का जो है वा हो गया है और जो ना है उसका जो है अड़ा हो गया है। तो यहां ना का जो है अड़ा हो गया, ये जो है ये तत्सम है और ये जो है ये तद्भव के रूप में प्रयोग में आता है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आते हैं अगर वहां पर ना है तो यह शब्द जो है तद्भव हो जाएगा
और उसे हम नाकोड़ा में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो वो जो है तत्सम के रूप में आएगा। अर्थात ये जो है तत्सम है और ये जो है तद्भव है, ये जो है तद्भव है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये तीनों में जो है इस तरीके के जो है नियम प्रयोग में आते हैं। एक और है ता और जो है त्रा, ता का जो है त्रा में, जैसे खेत है खेत, ये जो है क्षेत्र हो जाएगा, यहां पे ता जो है वो त्रा में चेंज हो रहा है। यानी कि जो ता शब्द है अर्थात ये ता शब्द है ये तद्भव के रूप में आता है और त्रा शब्द जो है वो तत्सम के रूप में आता है। यहां पर भी दो नियम लगे हुए हैं, एक अभी और अगला है नियम जिसमें यहां पर देखेंगे कि छा जो है वो खा में किस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इसलिए इस उदाहरण को लिया गया है ताकि दोनों को एक साथ में बताया जा सके। तो एक ये जो है ता जो है ये तद्भव के रूप में आता है और त्रा जो है ये जो है तत्सम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरीके से अगला है खा जो है या छा, ये जो होता है वो त्रा के पूर्व में जो व्यंजन प्रयोग में लाया जाता है वो छा होता है। ये संयुक्त व्यंजन के रूप में भी आता है और का और सा से मिलकर के बना हुआ होता है, और जब हम इसे अंग्रेजी में देखते हैं तो वहां पे स्पष्ट होता है, जैसे क्षेत्र है तो के एस एच ई टी आर ए हो जाता है। तो वहां पर जो है का भी जो है हम लोग अंग्रेजी में जब प्रयोग में लाते हैं तो वहां पे स्पेलिंग के रूप में के का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर ये संयुक्त व्यंजन के रूप में आता है। जब हम चार प्रकार के संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें छा को जो है आता है, लेकिन ये जो है संयुक्त व्यंजन न होकर के एकल व्यंजन ही आते हैं। और ये जो है खा और छा ये तद्भव के रूप में होते हैं, ये जो है ये तद्भव होते हैं और छा जो होता है ये तत्सम होता है। जैसे यहीं पर जो है नक्षत्र हो गया, ये जो है नखत्र, नखत्र के रूप में प्रयोग में आता है, तो ये क्या हो जाएगा नक्षत्र। यहां पर भी जो है दोनों नियम प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे खा जो है यहां छे में प्रयोग हो रहा है और ता जो है वो त्रा में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों ही नियम इसमें भी प्रयोग हो रहे हैं और दोनों नियम जो है यहां पर भी जो है प्रयोग हो रहा था, अर्थात हमें ये चौथा जो है नियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नक्षत्र जो है नखत जो है नक्षत्र में चेंज हो रहा है। और इसी तरीके से जो है कई बहुत शब्द हैं, जैसे क्षत्रिय है तो वहां पे जो है कहीं कहीं खत्री लिखा रहता है तो छा हो जाएगा खा, वहां पे क्षत्रिय हो जाएगा। इसी तरीके से जो है छीण है वो शब्द प्रयोग में जो है लाया जाता है। तो कुल मिलाकर के जहां पर खा शब्द आएगा वह वर्ण आएगा व्यंजन आएगा तो वहां पर तद्भव हो जाएगा, और जब यह जो है छा में चेंज हो जाएगा, छा में चेंज हो जाएगा त्रा के पूर्व वाला छा, ये छा नहीं ये तद्भव के रूप में आता है, इसलिए यहां पर दोनों को ही हमने लिख दिया है। और ये जो है छा त्रा के पूर्व वाला छा जो आएगा यह जो है तत्सम होगा और इसका परिवर्तन तद्भव के रूप में कभी छा में तो कभी खा में होता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है महत्वपूर्ण जो है नियम यहां पर देखने को मिलता है। तो इसे अभी हम एक में जो है एक सूत्र बना देंगे जिसे याद करने में जो है आसानी होगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एक नियम ये देखें, दो ये जिसे दूसरा था और ये जो है तीसरा था और एक जो है इसमें और आ रहा है ना, ये हो गया और ये चौथा हो गया।
ये चार जो है नियम है, इन चारों नियमों को एक शब्द बना दिया जाएगा जिससे कि आप लोगों को याद करने में जो है आसानी होगी और परीक्षा में यदि आता है तो उसको अप्लीकेबल उसके अनुप्रयोग को बनाने में आसानी होगी। इनके इसके लिए जो है एक शब्द हम प्रयोग में बनाते हैं जिसे हम लिखते हैं जो है बसंत, बसंत बना देते हैं। अब जो है ये शब्द इन चारों को वाज हो गया, इसमें वा हो गया, सा हो गया और ना यहां से है तो हम उसको निकाल ले रहे हैं, ना हो गया और यहां पे त्रा हो गया, ये चार जो है हो गए। यानी कि वा ये शुद्ध है, इसी तरीके से सा यहां पे प्रयोग में लाया जा रहा है और यहां पे ये वाला सा जो है तद्भव होगा, ये ना है ये अड़ा में चेंज हो जाता है और ये ता है जो है यहाँ ता है जो ता में हो जाता है। तो इस तरीके से ये चारों जो है ये चारों वर्णों को जो है या व्यंजनों के लिए जो है एक शब्द वसंत प्रयोग में लाया जाता है जो कि आपको एक शब्द याद करना है जिससे ये चारों के नियम उसी में समाहित हो जाते हैं। अगला दो है, इसमें छ और एक है री, इन दोनों को अलग कर दिया जा रहा है और ये चारों को जो है एक शब्द में जो है पिरोने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन चारों के साथ में आपको दो और अलग से जो है व्यंजन देखना होगा, वर्ण देखना होगा। तो एक छा हो गया जिसका प्रयोग हम लोगों ने देख लिया। एक और प्रयोग में लाया जाता है री, ये है री। सामान्यतया जो है तत्सम के शब्दों में री का प्रयोग जो है किया जाता है। यह अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग में आने के बाद अपने स्वरूप को बदल लेता है, जैसे अमीय, अमीय शब्द है तो यह जो है अमृत में बदल जाता है। अब यहां मां के साथ में आया अमृत हो गया, री लगा हुआ है इसमें। इसी तरीके से जो है एक बहुत ही प्रचलित शब्द है सिंगार, अक्सर ये परीक्षा में पूछा भी जाता है और यहां पे री का प्रयोग नहीं हुआ है और जब इसी में जो है पहचानने के लिए आएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द वो तत्सम है, तो यहां पे जो है ये री लग जाएगा, श्रृंगार। इसी तरीके से घी है तो घृत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये शब्द भी जो है सामान्यतः आपको ध्यान में रखना है जिससे तत्सम और तद्भव से संबंधित शब्दों से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसको पहचानने में, उसको तत्सम से तद्भव में बदलने में आपको आसानी होगी और परीक्षा में ऐसे सवालों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे नियम सूत्र या ट्रिक जो भी आप कह सकते हैं, टारगेट इसका ये होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर सकें। तो कुल मिलाकर के हमने जो है छह नियम देखे हैं और छह नियमों में से जो है चार नियम को हम लोगों ने एक शब्द में यहाँ डालने का प्रयास किया और दूसरा जो है यहाँ पे हमने छ और री इन दोनों को अलग से देखा और छ को किस तरीके से परिवर्तित होता है और री का किस तरीके से प्रयोग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने तत्सम और तद्भव के अर्थ, उसके नियम सूत्र और ट्रिक और इन जो है शब्दों का जो है अनुप्रयोग देखा कि किस तरीके से इन नियमों का, इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए शब्द जो बन रहे हैं। अगला एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे और टॉपिक बनता है महत्वपूर्ण चयनित तत्सम और तद्भव, महत्वपूर्ण चयनित तत्सम और तद्भव। इसके लिए हमने अपने री एजुकेशन आईएएस एकेडमी के अंतर्गत लेक्चर पर आधारित आपके लिए पीडीएफ तैयार किया हुआ है, उस पीडीएफ के आधार पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो है लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो इसका दूसरा और अंतिम भाग होगा। तो आज के इस लेक्चर में केवल नियमों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तत्सम का दूसरा भाग जो है हम लोग अलग से जो है अपलोड जल्द ही जो है करेंगे जिससे आपको इसका व्यापक स्तर पर जो है अनुप्रयोग सुनिश्चित करते हुए एक समझ को विकसित करने में जो मदद मिलेगी और परीक्षा में आने वाले सवालों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा
और आप इसका प्रयोग कीजिए, इसको याद कीजिए, परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कीजिए। पुनः हम जो है अगले लेक्चर के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।